हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हैकर्स होते हैं या स्पैमर्स होते हैं, वो कैसे आपका आईपी एड्रेस ले सकते हैं। इसके लिए वो केवल एक लिंक आपको सेंड करेंगे और उस पर क्लिक करते ही आपका आईपी एड्रेस उनके पास पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और एड्रेस बार में या गूगल सर्च कर सकते हैं आईपी ग्रैबिफाई आईपी लॉगर। ये आपको ओपन करना है। सर्च करेंगे इसे, आपको पहला ही रिजल्ट मिल जाएगा, ग्रैबिफाई डॉट लिंक। इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा। इसी में सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, एंटर करने के लिए देखिए ये आ रहा है, एंटर वैलिड यूआरएल और ट्रैकिंग कोड। ये थोड़ा सा नीचे आना होगा आपको। हाँ, ये है। ये कुछ फीचर्स हैं इस वेबसाइट्स के और भी। फिलहाल आपको यहाँ यूआरएल टाइप करना होगा या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप यूआरएल। मैं अभी एक यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ गूगल सर्च पर जाकर, लर्न पाइथन। इससे रिलेटेड मुझे कई वेबसाइट रिजल्ट मिलेंगे, कोई सा भी एक मैं कॉपी कर लूँगा। जैसे कि ये आ गया आपका लर्न पाइथन 2, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों नीचे का भी सेलेक्ट हो रहा है, केवल यूआरएल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ इसे। ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्रिएट यूआरएल पर क्लिक करना है। क्रिएट यूआरएल कुछ टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कहेगा, अगर एग्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं एग्री करेंगे तो आप इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। कैप्चा फिल करना है, मोटरसाइकिल के इमेजेस। ये कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। इसके बाद ये देखिए इस लिंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो हो रही है मेरे को। मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर लूँगा इस लिंक को। ये आ रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप इस लिंक को नया डोमेन दे सकते हैं। इसमें मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक डोमेन सर्च करना चाह रहा हूँ, जो कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मॉन्स्टर नाम से है। एक और भी कुछ है क्या, देख लेते हैं अगर और भी कुछ है तो। नहीं, चलिए प्रोग्रामिंग मॉन्स्टर नाम से ही सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सटेंशन ले लेते हैं कोई, मैं इसमें कोई वीडियो फॉर्मेट की फाइल का एक्सटेंशन ले लेता हूँ, जैसे MP4। मैंने एक्सटेंशन ले लिया है, इसमें से MP4 ले लेता हूँ, और कोई तो नहीं है खास, MP4 ले लेते हैं। ठीक है, बात अभी के लिए इनवाइट ज्वाइन ज्वाइन पाथ अभी रहने देते हैं। पैरामीटर आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ और पाथ में ज्वाइन ज्वाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोफाइल ठीक है, प्रोफाइल भी ठीक है। और ये देखिए, इस तरीके का यूआरएल जनरेट हुआ है, जो कि देखने में लग भी रहा है कि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी कंटेंट का यूआरएल है। आप स्मार्ट लॉगर को टर्न ऑन कर दीजिएगा, जिससे कुछ एक्यूरेसी मिल जाएगी आपको। इसमें सबसे नीचे की तरफ एंट्री शो होगी, जब आपके लिंक पर कोई क्लिक करेगा। फिलहाल अभी कोई एंट्री शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अभी कोई भी किसी को भी शेयर नहीं किया है ये लिंक। फिलहाल अगर सब कुछ रेडी है
तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे। मैंने कॉपी किया और पेस्ट करके एड्रेस बार में जब ओपन किया इस लिंक को, तो ये डेस्टिनेशन वेब पेज पर पहुंच चुका है। देखिए, मैंने कोड एकेडमी का ही यूआरएल कस्टमाइज़ किया था और वही ओपन भी हुआ है, वही पेज कोड एकेडमी का ही, ठीक है। लेकिन क्लिक करते ही या फिर से यूआरएल के ज़रिए विज़िट करते ही मेरे पास एंट्री शो हो जाएगा कि किसने विज़िट किया है, क्या आईपी एड्रेस से विज़िट हुआ है या फिर क्या ओएस है। सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे नीचे की तरफ देखेंगे, ये एंट्री आ रही है, किस टाइम विज़िट हुआ है, क्या आईपी एड्रेस था, कंट्री क्या था, यूज़र एजेंट भी आ रहा है जिसमें ओएस भी है। ये पूरी एंट्री है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये देखिए सारा कुछ है इसमें। आईपी एड्रेस है, कॉपी कर सकते हैं। इस आईपी एड्रेस को आप सर्च कर सकते हैं आईपी लोकेशन में। फिलहाल ये डायरेक्टली सर्च नहीं हो रहा है। मैं आईपी लोकेटर, एक वेबसाइट होता है, इसमें इस को सर्च कर लेता हूँ। आईपी लुक एड्रेस लुकअप, कोई सा भी ले लीजिए, लगभग सभी का वर्किंग एक जैसा ही रहता है। ये मैंने हटा दिया, ये लुकअप कर देते हैं इसकी जगह पर। तो आईपी एड्रेस सर्च करने से रिलेटेड भी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, ये मैं ले लेता हूँ आईपी टू लोकेशन। इसमें ट्राई डेमो हमें केवल एक ही बार सर्च करना है केवल, उसके बाद शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। आईपी एड्रेस पेस्ट कर देंगे, लुकअप पे क्लिक करेंगे, इसमें डिटेल्स आ जाएंगी। नीचे आपको चेक कीजिएगा, लिखा हुआ आ रहा है आईपी लुकअप रिजल्ट। इसमें आईपी एड्रेस आ रहा है, कहाँ का है, कौन सा सिटी का है और कौन सा आईएसपी है, लोकल टाइम क्या है, यहाँ तक कि जिप कोड भी आ रहा है, मोबाइल कैरियर भी आ रहा है इसमें। कई सारी इन्फॉर्मेशन इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड मिल जाएंगी आपको आईपी एड्रेस लुकअप किसी वेबसाइट से। एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें कई सारे फीचर्स होंगे। एपीआई भी है इसका, एपीआई टोकन इस वेबसाइट का। इसके अलावा और भी फंक्शंस होंगे, फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस ग्रैब करने का, आईपी एड्रेस, ठीक है। ये देखिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन भी शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही बहुत सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपको कैप्चर हो जाएंगी। कौन सा ओएस है, कितना बिट है, होस्ट नेम, लैंग्वेज, सारा कुछ। केवल इस एंट्री पर क्लिक करना है आपको। हेडपोर्ट्स फिलहाल यही है पूरी तरह से। आप किसी भी लिंक को, इस लिंक को आप सेंड करके, जिसको भी सेंड करेंगे वो अगर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी पूरी आईपी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ये वेबसाइट में कई और फीचर्स भी हैं, जैसे कि आप अपना आईपी एड्रेस छुपा सकते हैं।